मैं कहता हूँ मुसलमानों को सबको जुड़ना चाहिए, मुसलमानों को बीजेपी के साथ, बीजेपी का साथ देना चाहिए, बीजेपी के साथ जाना चाहिए। देखिए उनको जरूरत नहीं है लेकिन हमको जरूरत है, आज नहीं जरूरत है कल जरूरत है हमको, इसलिए बेहतर यह है कि जुड़ जाना चाहिए जब टाइम आ गया है जुड़ने का और उन्हें दावत दे दी है, बुलाया है तो हमको जुड़ना चाहिए। मेरी राय यह है कि बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। मैं फहीम कुरैशी एडवोकेट, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी, आप तमाम लोगों से मुखातिब हूँ। कल एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है और वो सारे हिंदुस्तान में वायरल होते जा रही है। इस वीडियो में हमारे मोहतरम जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, जो अपने आप को ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का सदर कहलाते हैं और ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर भी हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से इस कॉन्फ्रेंस में अपील की, मैसेज पहुंचाया कि वो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान बीजेपी ज्वाइन कर लें और वो अपना वोट आगे इलेक्शन में बीजेपी को दें। इनके इस बयान के बाद तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई और ख़ास तौर पर बरादरान कुरैश हर गोशे से इसकी मजम्मत करना शुरू कर दिए। कई मुकामात से ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के दफ्तर पर टेलीफोन कॉल्स वसूल हो रहे हैं और तमाम बरादरान कुरैश कई मुकामात से एहतजाज की धमकियां दे रहे हैं। देखिए ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी इन जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के इस बयान की सख्ती के साथ मजम्मत करती है और ये आप लोगों को बताना चाहती है कि मोहतरम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब 2014 से बीजेपी की तायिद में बयान देते आ रहे हैं। चूंकि ये उनका ख़ानदान का मामला भी है और उनके रवाबित है, ससुराली रवाबित भी हैं इनके, तो ये बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इनका ख्याल है, ये इनके ख्यालात को न मुसलमानों पे थोप सकते हैं, न बरादरान कुरैश जो तिजारत से वाबस्ता है, न इन पे थोप कर ये कोई बीजेपी से ताईद या टिकट हासिल करने में ये नाकाम हो जाएंगे। और तमाम बरादरान कुरैश की जानिब से ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी फिर एक बार इस बयान की मजम्मत करती है और तमाम बरादरान कुरैश से अपील करती है कि वो जो बाद नमाज जुमा जो एहतजाज का प्रोग्राम बनाए हैं उसको रद्द करें और मोहतरम जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के इस बयान को बकवास करते हुए नज़रअंदाज करें।